नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम लोग CSC से LPG बुकिंग कैसे करते हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, समय न गंवाते हुए सीधा हम लोग अपने CSC पोर्टल में चलते हैं। जैसे कि मैं ब्राउज़र में CSC पोर्टल का साइट ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर लॉगिन कर ले रहा हूँ। अपना ID पासवर्ड डाल के आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। मेरा सेफ था इसलिए मैं ID पासवर्ड नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही आपका CSC पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में LPG टाइप करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो फिर रिडायरेक्ट करके LPG पोर्टल में ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं डिजिटल सेवा को कनेक्ट में आपको जाना है, ठीक है। काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मार्किंग करके दिखा देते हैं। या फिर चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे डिजिटल सेवा कनेक्ट में, रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा CSC ID, VLE नेम, ईमेल ID वगैरह सारे चीज़ दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड पे करना है अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो। फिर मैं कर दिया था, उसके बाद फिर भी ये देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बुक LPG सिलेंडर करना है। अभी ये दोनों सर्विसेज काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर कुछ करना पड़ता है। सीधा LPG सिलेंडर कैसे बुकिंग करते हैं उस पर देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है बुक योर LPG सिलेंडर थ्रू CSC में। यहाँ पे LPG में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो गैस है LPG है वो किस कंपनी से है, इंडियन ऑयल से है या भारत पेट्रोलियम से है या HP से है, ठीक है। तो आप जैसे कि मेरा जो है एक कस्टमर का है तो उसका इंडियन ऑयल से है, इंडियन से, तो मैं उसके यहाँ पे चेक मार्क लगाऊंगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर नेम, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर नेम आपका कौन सा पड़ता है। तो यहाँ मेरा नज़दीक का जिस जहाँ से है कस्टमर का जो LPG है वो डबरा इंडियन ग्रामीण वितरक से है, ठीक है। यहाँ पर उसका कंज्यूमर नंबर टाइप करना है जो LPG पासबुक में आप जिस कस्टमर का मेंशन होगा फर्स्ट वाले ID के नाम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंज्यूमर नंबर टाइप करना है, तो जैसे कि ये मैं कस्टमर का टाइप कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये कस्टमर का कंज्यूमर नंबर है। फिर सबमिट करेंगे, देखिए उसका डिटेल आ गया। जैसे कि ये ऊपर में मेरा CSC ID आ गया, LPG कंज्यूमर ID आ गया उसका, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सारे चीज़ उसका डिटेल आ जाएगा कस्टमर का और डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसमें रिफिल फीस 2 रुपये है, ठीक है। उसको आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड अपना टाइप कर लीजिएगा। वॉलेट पिन टाइप करना है, वॉलेट पिन टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट सक्सेस हो गया। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगी, इसको आप कस्टमर को प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल रिफिल बुकिंग हो गया, अब इसको कस्टमर को प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। इसको PDF में सेव कर ले रहा हूँ मैं। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।